महात्मा गांधी ने कहा था आप कोई भी नीति बनाएं तो उस तराजू से तोलिए कि उसका जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है उसकी जिंदगी में उस नीति का क्या प्रभाव होगा। मुझे महात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है। पीएम मोदी के दिल से निकली इसी आवाज का परिणाम है लोकसभा में पास हुआ मजदूरी संहिता विधेयक 2019। इस बिल से देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी। अलग अलग क्षेत्रों में व्याप्त वेतन के भेदभाव को ये विधेयक दूर करेगा। इस विधेयक में रोजगार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए एक ही मानदंड बनाया गया है। देश के 50 करोड़ कामगारों को इसका फायदा मिलेगा। न्यूनतम वेतन के साथ ही श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में कानून बनाया जाएगा। संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल कर ये विधेयक तैयार किया गया है। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में हर 5 साल के बाद संशोधन किया जाए। इस विधेयक में कार्यस्थलों के निरीक्षण की व्यवस्था को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया गया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इनमें वेब आधारित कंप्यूटरीकृत निरीक्षण योजना, अधिकार क्षेत्र मुक्त निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी मांगना और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और समाज के हर वर्ग के लिए नई नई सौगातें पेश कर रही है, वो वाकई काबिले तारीफ है।